नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और इस वक्त आपके साथ मैं हूं योगिता प्लास। शुरू करेंगे आज की न्यूज हेडलाइन से। जबलपुर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने 50 लाख के साथ किया महिला को गिरफ्तार, दूसरी महिला अभी भी फरार, पुलिस द्वारा हवाले की आशंकाएं जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बाजरा बेचने आए किसानों में खुलेआम हुई फायरिंग, सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने वीडियो घायल किसान के बयान के आधार पर 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात से पहले आया ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस का अंदर का खेल आ रहा बाहर। मध्य प्रदेश के शहडोल में भी लव जिहाद का मामला आया सामने, धर्म परिवर्तन करने के प्रयास में पति गिरफ्तार। उर्दू और अरबी पढ़ने को लेकर पत्नी पर दबाव बनाता था आरोपी। कोरोना के साथ अब प्रदेश में बढ़ने लगा डेंगू का प्रकोप, सहगांव में स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा है मुस्तैदी से निगरानी। मध्य प्रदेश में संगठन विस्तार को लेकर हलचल तेज, केंद्रीय नेतृत्व में चर्चा के बाद वीडी शर्मा जल्द कर सकते हैं अपनी टीम का ऐलान। 8 से 10 उपाध्यक्ष और इतने ही प्रदेश महामंत्री के नामों पर बनी सहमति। एमपी में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 2 लाख के पार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले भोपाल और इंदौर में दे ज्यादा ध्यान, सरकार की बड़ी चिंता। फिलहाल के लिए इतना ही, और अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें वॉइस ऑफ एमपी पर।